बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इयाक नअबुदु व इयाक नस्ताईन। सबसे पहले कमालिया कमालिया में भी डीजल सस्ता हो गया है। बड़ा पैसा खर्च किया हमने डीजल और पेट्रोल को सस्ता करना। तो मैं सबसे पहले जनाब रियाज फतेहाना साहब, आपको आज खराज तहसीन पेश करता हूं। माशाल्लाह, मैं नहीं समझता था कि कमालिया में इस तरह का पिंडाल आप भरेंगे जिसमें नौजवानों के अलावा हमारी बहनें, हमारी ख्वातीन भी आएंगी। आपको मैं मुबारक देता हूं। मैं अपने सारे मेंबर पार्लियामेंट, प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के, मैं अपने चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार आपको, गवर्नर साहब चौधरी सरवर आपको और मेरे जितने भी मोजज मेहमान हैं, मैं सबको आज मुबारक देता हूं इस बड़े 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 जलसे पे। अच्छा, मैं आज अपनी आपसे जो बातचीत है वो शुरू करता हूं शुक्रिया अदा करने के लिए। किसका शुक्रिया अदा करने के लिए? सबसे पहले आसिफ सरदारी, आपका शुक्रिया। उसके बाद जिसकी कीमत नीचे आ गई है डीजल, उसका शुक्रिया। लेकिन सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो पाकिस्तान का जूते पॉलिश करने वाला एक्सपर्ट, जूता देखता तो पॉलिश शुरू कर देता है, वो है मकसूद चपरासी वाला शहबाज शरीफ। मैं इन तीन का आज इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने, इनकी शक्लें देख के लोगों को इतना खौफ आया कि ये फिर से वापस ना आ जाएं कि अल्लाह ने सारों के दिल मेरी तरफ मोड़ दी है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। वो लोग हमारी पार्टी में जो 10 साल से सो गए थे, वो लोग जो तहरीक इंसाफ से दूर हो गए थे, वो ये थ्री स्टूजेस की शक्लें देख के सब वापस आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, कमालिया के बाशऊर लोगों, मेरा आज का यहां आने का सबसे बड़ा एक मकसद है, मैंने नौजवानों, आप जरा मेरी बात गौर से आपने सुननी है कि मेरी जितनी उम्र है सारी दुनिया फेरा हूं मैं। कोई दुनिया का शायद ही मुल्क है जो मैं नहीं देखा।
बर्तानिया का जो सारा निजाम, उनकी जमहूरियत, उनका सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उस कौम का किरदार मैंने बड़े गौर से अंदर से देखा है। शायद ही पाकिस्तान में, बल्कि कोई पाकिस्तान में सियासत नहीं, सियासतदान है ही नहीं ऐसा जो इतना, जिसका गौर से और अंदरूनी मुताला बरतानिया के सिस्टम का जो मेरा है। तो मैं जो आपको नौजवानों, क्योंकि नौजवान आप इस मुल्क का मुस्तकबिल है, तो जो मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं वो ये कि जब तक एक कौम अच्छे की और बुरे की तमीज नहीं करती, वो कौम मर जाती है। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कि मौलाना साहब एक कौम कैसे मरती है, तो मौलाना रूमी ने कहा कि दो दरख्तों की मिसाल दी, एक बहुत खूबसूरत दरख्त खुशबूदार और एक बड़ा बदसूरत दरख्त। कहता इन दोनों दरख्तों के अंदर जब एक कौम फर्क करना भूल खत्म हो जाता है, यानी कि अच्छे और बुरे की कौम तमीज खत्म करती है, मर जाती है। जो वो माशरा मैंने अंदर से देखा है, नौजवानों जो माशरा मैंने देखा है, अल्लाह का हुक्म है कुरान में, बार बार अल्लाह ने हुक्म दिया कुरान में अमर बिल मारूफ, उसका हुक्म यह है कौम को, हुकूमत को नहीं, हुकूमत को उसने कहा कि कानून की बालादस्ती कायम करो, इंसाफ दो, फलाई रियासत बनाओ, इंसानियत का निजाम लेके आओ, जो आपका कमजोर तबका उसकी मदद करो। लेकिन अवाम को अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ जहाद लड़ो। अल्लाह ने इंसानों को ये सुने नौजवानों, जब आप अच्छाई देखते हैं, बुराई देखते हैं माशरे में, जब आप माशरे में अच्छाई और बुराई देखते हैं, तो अल्लाह ने आपके हाथ में यह फैसला नहीं छोड़ा कि मैं ना अच्छाई की तरफ ना बुराई की तरफ, मैं न्यूट्रल हूं। न्यूट्रल का उसने फैसला इंसान को नहीं दिया, या आप इधर हैं या उधर हैं। जब आप ये देखते हैं कि इस मुल्क के वो सबसे बड़े चोर जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं, जिनके ऊपर नैब में केसेस हैं, जिसमें से एक का नाम ले तो लोग डीजल डीजल क्यों शोर मचाते हैं, लोग इसलिए शोर मचाते हैं कि सियासत करते हो इस्लाम के नाम पे और अपना जमीर बेचते हो डीजल के परमिट के ऊपर। दूसरी तरफ इस मुल्क की बड़ी बीमारी जरदारी, अरबों रुपए के इसके ऊपर नैब में केसेस हैं, और कौन से केसेस हैं, फेक अकाउंट्स के, जाली अकाउंट्स, इन्होंने चोरी का पैसा जाली अकाउंट्स में डाल के बाहर भेजा, अरबों रुपए के केसेस पड़े हुए नैब में। और तीसरा चेरी ब्लॉसम्स, आपको पता है चेरी ब्लॉसम ज्यादा जूता ज्यादा चमकता है उसे, तो चेरी ब्लॉसम शरीफ,
अब शहबाज शरीफ का सुन लो। एक दिन पता चलता है कि इसका चपरासी जिसका नाम मकसूद था उसके बैंक में सिर्फ 375 करोड़ रुपया आ जाता है और सारे नौकरों के बैंकों में 1600 करोड़ रुपया आ जाता है। अब इसका केस लगा हुआ है, इसके केस का फैसला होना है। अभी तक बचता रहा है, कभी कमर में दर्द हो जाती है, कभी वकील नहीं आता, कभी जज को टाइम ले लेता है। इसको भी पता है कि इसका टाइम आने वाला है, इसको पता है कि अगर ये इमरान खान और थोड़ी देर चल गया तो शहबाज शरीफ ने जेल में जाना है। और फिर एक चौथा फनकार है, चौथा फनकार वो है, कौन है वो चौथा फनकार? लंदन में बैठा हुआ है, उसका अब जरा उसका सुनो, उसका केस क्या है? पहले तो अदालत से वो मुजरिम करार दे दिया गया, उसकी बेटी के नाम पे पैनामा पेपर के इंकशाफ में पता चला कि 4 बड़े बड़े अरबों रुपए के लंदन के सबसे महंगे इलाके में 4 बड़े बड़े महलात उसकी बेटी के नाम पे निकलाया। हमने तो नहीं निकाले, पैनामा पेपर के अंदर आ गया। अब उसका भी केस चल रहा है। तो ये सारे नैबजदा इकट्ठे हुए, इन सारों ने मिलके कहा कि देखो, पहले तो हमने सोचा था कि इमरान खान अभी गया, जब हमारा मुल्क आए तो दिवालिया निकला हुआ था। सारों ने कहा कि तुम मुल्क को निकाल ही नहीं सकता, वो मुल्क निकल गया। फिर कोरोना आ गया, जब कोरोना आया कमालिया, माशाल्लाह बड़ा शऊर है आप में नौजवानों, बड़ा शऊर है। शहबाज शरीफ उस वक्त लंदन में बैठा हुआ था, बेटे को इसने बाहर भिजवा दिया था, दामाद को बाहर भिजवा दिया था, नवाज शरीफ के बेटे बाहर बैठे थे, इसहाक डार बाहर बैठा था, उनके बेटे बाहर बैठे थे, सब लंदन में बैठे थे। इस तरह लगता है कि ये ग्वाल मंडी में नहीं पैदा हुए, ये सारे लंदन में मलका क्वीन उसके घर में पैदा हुए हैं सारे ये। इसहाक डार माशाल्लाह बड़े मेहनत कश थे, उनके वालिद साइकिलों की दुकान थी। आज अगर आप उसका रहन सहन देखें और उसके बच्चों का, तो आपको पता चलेगा कि कितना पैसा इस मुल्क का ये लूट के बाहर लेके गए हैं। तो ये सारे इन्होंने मिलकर फैसला किया कि एक ही तरीका है, इमरान खान की हुकूमत गिराओ, इक्तदार में आओ, और सबसे पहला काम ये क्या करेंगे, क्या बैठे हैं, क्या काम करेंगे? नैब को खत्म करेंगे, अपने करप्शन केस खत्म करेंगे। पहले उन्होंने पूरी कोशिश की कि इमरान खान इनको एनआरओ दे देगा, मुशर्रफ ने इनको एनआरओ दे दिया। जितनी इन्होंने पहले करप्शन के जितनी करप्शन की थी वो सब माफ हो गई। इन्होंने फिर से आए 10 साल, दोनों हाथों से मुल्क को लूटा, केस इनके तब बने और जोर इमरान खान पे लगा रहे हैं कि अगर आपने हुकूमत ना, अगर आपने हमें करप्शन केस माफ ना किए तो हम आपकी हुकूमत ही चलने देंगे। मैं बार बार ये तीन चूहों को पैगाम दे रहा हूं कि हुकूमत जानी
तो मामूली चीज है। थ्री स्टूजेस, चूहे तो बड़ी चूहो, हुकूमत जारी तो मामूली चीज है। मेरी जान भी चली जाए तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। इनकी कोशिश है कि ये हुकूमत गिराए, इक्तदार में आए, नैब को खत्म करें, करप्शन केसेस खत्म हो, और जब भी करप्शन केसेस खत्म होंगे वो भगौड़ा जो लंदन बैठा है वो जल्दी जल्दी पाकिस्तान वापस आएगा। और वो वापस आके क्या करेगा? वो सबसे, ये सुन लो मेरी कौम, इसने करना क्या आके, ये नंबर वन चीज क्या करेगा आके, ये आते साथ ही पहले इलेक्शन कमीशन तो इसके कंट्रोल में है, अखबारों के अंदर पैसा चलाएगा, लफाफा सहाफत इसने शुरू की थी जब ये पहली दफा चीफ मिनिस्टर बना, इसने मीडिया को पैसा चलाना है, इलेक्शन कमीशन पहले इसके साथ है, इसने उसके बाद सुन लो ये उसके बाद ये पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर हमला करेगा, क्योंकि जो करप्ट आदमी होता है वो कभी आजाद अदलिया को चलने नहीं देगा। ये वाहिद जमहूरियत के अंदर ये पहली दफा हुआ होगा कि डंडों से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया और सज्जाद अली शाह को भगाया और फिर ब्रीफ केस दिए जजेस को। इसकी पुरानी आदत, ये सुना जरा, मैं नौजवानों आपको बताऊं, क्योंकि मैं तो नवाज शरीफ को तब जानता था जब बेचारा पूरी कोशिश कर रहा था क्रिकेट खेलने की, और जब क्रिकेट भी खेलता था मैं, और ये सब पता चलवा लें आप, ये जमहाना में क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था अपने अंपायर खड़े करके, एक अंपायर चीफ सेक्रेटरी होता था, दूसरा अंपायर लाहौर का कमिश्नर होता था, और उधर भी रोंदी मारता था, आउट हो जाता था अंपायर नॉट आउट दे देते थे, ये कभी कोई मैच अंपायर को मिला के नहीं खेला आज तक। उसके बाद इसने सहाफत पे पैसा चलाया, इसने जजेस खरीदे, इसने लाहौर के एलडीए के प्लॉट्स दे के जजेस को खरीदा, इसने छांगा मांगा की सियासत शुरू की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कीमत लगाई, उनको छांगा मांगा के रेस्ट हाउस में बंद किया, इसलिए बंद किया कि दूसरी तरफ भी बोली लग रही थी, यानी भेड़ बकरियों की तरह पहली दफा पाकिस्तान के सियासतदानों ने अपने आप को बेचना शुरू किया, यह नवाज शरीफ ने शुरू किया। तो यह अब आएगा, यह अदलिया के ऊपर हमला करेगा, अभी से यह अदलिया को तकसीम कर रहा है, अभी से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को अपने साथ मिला रहा है, ये कभी आजाद अदलिया को चलने नहीं देगा, क्योंकि इसने अपने केसेस खत्म करने हैं। और फिर ये सुन लो, जो अगला हमला करेगा, ये इसका अगला हमला होगा पाकिस्तान की फौज के ऊपर। अभी तक जितने भी आर्मी चीफ आए हैं सबके साथ इसके इख्तलाफात हुए, खुद पहले आर्मी चीफ बनाता है उससे इख्तलाफ क्यों होता है? अब मुझे बताओ नौजवानों, क्यों इसका आर्मी चीफ के साथ इख्तलाफ होते हैं? इसलिए कि आर्मी के पास जो एजेंसीज हैं उनको सबसे पहले पता चल जाता है इसकी चोरी का, और ये कंट्रोल करना चाहता है,
बाकी इदारे कंट्रोल कर चुका होता है, फौज से इसको डर होता है, फिर इसकी पूरी कोशिश होती है फौज को कंट्रोल करने की, फिर इसका इख्तलाफ होते हैं आर्मी के चीफ के साथ, और फिर ये छुप छुप के पिछले दौर में नरेंद्र मोदी से मिल रहा था, बरका दत्त अपनी किताब में लिखती है कि नेपाल में जनाब नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ छुप छुप के मिल रहे थे, जैसे कि कोई रोमांस चल रहा है इनके बीच में, और वहां वो क्यों वो लिखती है अपनी किताब में कि छुप के क्यों मिल रहे थे, क्योंकि नवाज शरीफ को अपनी फौज से डर लग रहा था। तो कमालिया और मेरे पाकिस्तान के लोग जो आप देख रहे हो, ये जो डॉन लीग्स थी वो क्या थी, हिंदुस्तान को पैगाम पहुंचा रहे जी कि मैं तो दोस्ती करना चाहता हूं, फौज नहीं मानती। उधर से जरदारी, उसने क्या किया, मेमो गेट क्या था, हुसैन कानी उसका एम्बेसडर अमेरिकनों को कहता है कि जनाब आसिफ जरदारी को पाकिस्तानी फौज से बचा लो। ये हैं वो लोग जो अपने पैसे के गुलाम हैं, ये कभी आपके लिए आजाद फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते। शहबाज शरीफ ने जब कहा कि पहले तो उसने कहा कि जी इमरान खान को यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर की तनकीद नहीं करनी चाहिए थी, क्यों नहीं करनी चाहिए थी शहबाज शरीफ, उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा था, कभी भी एम्बेसडर इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देते। और दूसरी चीज, जो यूरोपियन यूनियन की काउंसिल का प्रेसिडेंट, उसने मुझे कॉल किया, उसने कहा इमरान खान हम तुम्हारी मदद चाहते हैं कि रूस की और जो यूक्रेन की लड़ाई है, तुम्हारी तरह के लीडर हम चाहते हैं जो बीच में पड़ के अमन लेके आए। शहबाज शरीफ जूते पॉलिश करने वाले को ये नहीं पूछते लोग, उनकी इज्जत नहीं करते। और फिर शहबाज शरीफ ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान को नहीं कहना चाहिए था। बताएं आप, इमरान खान को कहना चाहिए था या नहीं? शहबाज शरीफ एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा था इमरान खान ने? क्योंकि हमने अमेरिका की जंग में शिरकत की, उनको अपने बेसिस दिए, उन्होंने यहां से जब जंग की अफगानिस्तान में हम शरीक हो गए, 80,000 पाकिस्तानी उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, हमारा कबाली इलाका उजड़ गया। कभी पूछे कबाली इलाके के लोगों से कि उनके ऊपर किस किस्म की क्यामत आई, 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की उस जंग में हमने जब शिरकत की, उन लोगों से पूछे जिन्होंने नकल मकानी की थी, ज़कात देने वाले एकदम ज़कात लेने वाले बन गए, $100 अरब से ज्यादा मुल्क को नुकसान हुआ। तो शहबाज शरीफ मुझे बताएं क्या मिला पाकिस्तान को, हमने जब उनकी जंग में शिरकत की क्या मिला पाकिस्तान को? हमें बुरा भला कहा गया, हमें कहा तुम दोगले हो। अफगानिस्तान में जब जंग नहीं जीती गई, पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। मैं ये कभी नहीं कहता कि हम किसी से अपने ताल्लुकात खराब करें, मैं कभी नहीं कहता कि हम अमेरिका या यूरोपियन यूनियन से अपने ताल्लुकात खराब करें, बल्कि अच्छे करने चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ मैं ये कहता हूं कि ताल्लुकात अच्छे करने में और उनके जूते पॉलिश करने में बड़ा फर्क है। आप और आपका बड़ा भाई और आसिफ जरदारी, ये हमेशा बाहर की कुवतों की गुलामी इसलिए करेंगे कि इनका अरबों रुपया चोरी का मुल्क से बाहर पड़ा है। जिन लोगों का चोरी का पैसा
ऑफशोर अकाउंट्स में पड़ा है, बड़े बड़े बाहर की जायदादों में, लंदन में, बाहर के मुल्कों में पड़ा है, वो कभी इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को एक आजाद फॉरेन पॉलिसी नहीं बनने देंगे। अपनी चोरी किए हुए पैसे की गुलामी करेंगे। इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, ये याद रखो, कभी उस पार्टी को वोट ना दो जिस पार्टी के सरबरा का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा है, वो कभी इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को आजाद नहीं होने देगा। और दूसरी चीज नौजवानों, अब दूसरी चीज, ये चोरों का डोला क्यों इकट्ठा हो गया? इनको खौफ आ गया कि कोरोना से भी पाकिस्तान सुरखरू होकर निकला, मैशत भी सही रास्ते पर निकल गई, हमारे किसानों के पास कभी भी इतना पैसा नहीं आया जो आज हमारे किसानों के पास आया है, कभी फसलों में इतना पैसा नहीं था, कभी पैदावार इतनी नहीं थी जो हमारे जमाने में। सारे बड़े सगीर में अभी रिपोर्ट निकली है कि सबसे, सारे बड़े सगीर में सबसे कम बेरोजगारी पाकिस्तान में है, हम सबसे आगे हैं रोजगार में। और जब महंगाई है, आलमी महंगाई, तो पाकिस्तान अभी भी वो मुल्क है जिधर दुनिया के मुकाबले में हमारी महंगाई कम है। और वो मुल्क है जो अल्लाह का शुक्र है कि वो सही रास्ते पे रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड टेक्सटाइल प्रोडक्शन, रिकॉर्ड फसलें, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, ताकि हम आवाम के ऊपर और पैसा खर्च कर सके। अल्लाह का करम है कि मुल्क सीधे रास्ते पे है। इसलिए इन सारों को था कि जल्दी जल्दी साजिश करके मुल्क को, हुकूमत को गिराया जाए। मैं कल 27 तारीख को मैं सारे अपने पाकिस्तानियों को आज पैगाम देता हूं कि आपने सबने इस्लामाबाद पहुंचना है, आप सबने इस्लामाबाद इसलिए पहुंचना है, अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ कि जब आप देख रहे हैं कि हुकूमत को कैसे गिरा रहे हैं, 20 से 25 करोड़ रुपया हमारे एमएनएस को देके उनका जमीन खरीद रहे हैं खुलेआम, जब आपको पता है कि चोरी के पैसे से एक हुकूमत को गिरा रहे हैं मुल्क के सबसे बड़े डाकू, तो सारी कौम पे, सारी कौम पे अल्लाह फर्ज कर देता है कि आप बुराई के खिलाफ खड़े हो, बदी के खिलाफ जहाद लड़े और अच्छाई के साथ खड़े हो और उन लोगों के साथ खड़े हो जो आप समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर इस चोरी और डकैती और डाकुओं और मुजरमों के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं, सारी कौम पे फर्ज है कि वो हमारे साथ खड़े हो और इस्लामाबाद सब निकलें। और 27 तारीख को मैं अपनी सारी कौम को देखना चाहता हूं, यानी कि कल जल्दी आना, क्योंकि ये पाकिस्तान में एक ऐसा फैसला कुन दिन होगा, ये एक ऐसा दिन होगा कि मैं आज आप सबके सामने पेशन गोई कर रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा आवाम का समुंदर निकलेगा राय हक के ऊपर खड़े होने के लिए और इन मुजरिमों को यह बताने के लिए। इन मुजरिमों को यह पैगाम देने के लिए कि तुम्हारी तरह के चोरों के इस मुल्क की लूटमार करने के दिन खत्म हो गए हैं। तो कमालिया, मैं आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूं जो आपका जज्बा और जुनून है, और आप सबने कोशिश करनी है, आप सबने कोशिश करनी है, तारीख बनेगी इस्लामाबाद में इंशाल्लाह।
कल कोशिश करना जल्दी आए क्योंकि बहुत ज्यादा आवाम का समुंदर उस तरफ रास्ता करके पहुंच रहा होगा इस्लामाबाद में। और ये दिन होगा जब ये कौम जिंदा होगी। अल्लाह ने जो अमर बिन मारूफ हमें कहा हुआ है उसके ऊपर अमल करना हमारी बेहतरी के लिए। जब कौम इस पे खड़ी होती है कौम जिंदा हो जाती है, और जब कौम इन चोरों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती है तो उस कौम में चोरी और बदी खत्म होती है, वो कौम ऊपर आती है। और वही कौम जब मदीना की रियासत पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अरबों को जिनकी हैसियत कोई नहीं थी उनको जब अमर बिन मारूफ के ऊपर खड़ा किया तो उन्होंने सदियों तक दुनिया की इमामत की तो कमा लिया। और जो भी पाकिस्तान में आज देख रहे हैं, मैं आज कल आपको परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में देखना चाहता हूं अमर बिल मारूफ के ऊपर खड़े होने के लिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।